हेलो गाइस हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे अब देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन तो चलिए समझते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैंने ये जो डेफिनेशन है और ये जो डायग्राम है ना विकीपीडिया से लिया है क्योंकि विकीपीडिया में बहुत अच्छा इंफॉमेसन प्रेजेंट है सारे डिस्ट्रीब्यूशन का तो आप लोगों को प्रॉब्लम कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करना पड़ेगा मैं यहाँ पे बस डेफिनेशन लिख दूंगा डायग्राम बना दूंगा और उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि क्या चीज ये डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है ठीक है तो चलिए पहले इसमें देखते हैं बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन इन बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी इन प्रॉबलिटी द बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन नेम्ड आफ्टर स्विस मैथमेटिशियन जेकॉब बर्नॉली ज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल तो जब भी, भी अब आपको पहला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का याद आता है तो आपको समझ जाना चाहिए स्पेसिफिकली अगर विजुलाइजेशन वे में देखना है तो हम लोग यूज करेंगे पीएमएफ फंक्शन है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए प्रॉब्लम पीएमएफ फंक्शन यूज करेंगे तो पहला पॉइंट ये रहा अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसमें डिस्क्रिप्ट प्रॉब्लिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडमिलिटी पी एंड द वैल्यू जीरो विथ प्रोबिलिटी क्यू इज इक्ल टू वन माइनस पी अब इसका मतलब यह है हम लोग प्रोसेस जो बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है उसका आउटकम सिर्फ दो ही होता है दैट बेसिकली मींस द आउटकम आर बाइनरी ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आउटकम्स आर बाइनरी कुछ एग्जाम्पल दे दू टॉसिंग अ कॉइन टॉसिंग अ कॉइन ठीक है अब कॉइन के केस में आधर आपको हेड और टेल आएगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं एंड टेक्स द वैल्यू वन विथ प्रोबिलिटी पी एंड द वैल्यू जीरो विथ प्रोबिलिटी क्यू ठीक है तो यहां पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोलू ठीक है ऑब्वियसली फॉर अ फेयर कॉइन इट इज पॉइंट फाइव तो ये जो पॉइंट फाइव होगा ना ये जो पॉइंट फाइव होगा लिख देता हूं ये जो पॉइंट फाइव है ये हम स्पेसिफाई करेंगे वैल्यू से ठीक है तो इसको हम एच को क्या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी मतलब ये सक्सेस है समझ लीजिए <laughs> एक सक्सेस हो गया हमारे लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज नथिंग बट पॉइंट फाइव इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो अनदर पॉइंट फाइव है इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं वन माइनस पी ठीक है वन माइनस पी करेंगे तो हमको पॉइंट फाइव मिलेगा ठीक है और इसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं क्यू से ठीक है तो दो वेरिएबल हम लोग यहां पर यूज करेंगे पी और क्यू जो डिफाइन करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये एक एग्जांपल एक है दूसरा एग्जांपल मैं प्रॉब्लली ले सकता हूं यहां पर पहला एग्जांपल ये रहा दूसरा एग्जांपल वेदर द पर्सन विल पास और नॉट ठीक है वेदर द पर्सन विल पास और फेल ठीक है अब इस केस में प्रॉबलिटी ऑफ पास मैं बोलूंगा प्रॉब्लिटी ऑफ वन इज नथिंग नॉइंट फाइव लेट से मैं बोलता हूं प्रॉब्लिटी ऑफ पास इज ऑफ पास पॉइंट सेवन लेट से तो ये वैल्यू हो गया हमारा पी एक सक्सेस का वैल्यू हो गया पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कैसे कैलकुलेट करेंगे वन माइनस पॉइंट सेवन विच इज नॉइंट थ्री विच इज नथिंग बट क्यू ठीक है तो इस तरीके से जो भी बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका आउटकम हमेशा याद रखिए ये बाइनरी होता है अब जब भी भी मैं बात करूं ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखना चाहिए बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें पीएमएफ फंक्शन यूज होगा आउटकम्स बाइनरी है तो यहां आपका देखिए दो ही टाइप के वैल्यू आएंगे अब यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए ये जो ग्राफ है मैंने विकीपीडिया से लिया है ये बेसिकली प्रॉब्लिटी मास फंक्शन डिफाइन कर रहा है अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉबिलिटी टू जीरो करता है दो ही है आउटकम जीरो और वन तो यहां पे आप देखिए जीरो में पॉइंट टू आ रहा है और यहां पे पॉइंट एट आ रहा है ठीक है सिमिलरली ऐसे प्रॉबिटी ऑफ एक्स इजल टू जीरो सेकंड वाला लाइन आपका पॉइंट एट में गया. जो स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटीज बता रहा है ठीक है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इजकल टू पॉइंट टू तो यहां पे आपका ब्लू लाइन पॉइंट टू बता रहा है तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू द बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन और ये टॉसिंग अकॉइंट का एग्जाम्पल लू मैं ये तीन तरीके से तो ये वही चीज बता रहा है अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या पैरामीटर्स है यहां पर स्पेसिफिकली ठीक है तो चलिए पहली बात तो हम लोग पैरामीटर्स में एक्सप्लोर करते हैं

जैसा ये वन हम लोग सक्सेस ले सकते हैं जीरो हम लोग फेल ले सकते हैं ठीक है थीके? अब आते हैं ये डायग्राम कैसे बन सकता है प्रोबेबिलिटी का ठीक है और ऑब्वियसली हम लोग इसको ले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज करेंगे तो फर्स्ट वाला जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का इक्वेशन बनता है तो कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना काफी ज्यादा ईजी है ठीक है क्योंकि ये बाइनरी आउटकम है तो ये शायद आप लोगों को याद होगा एक फॉर्मूला जो हम लोग प्रॉब्लम स्कूल डेज में भी करते थे फॉर अ बाइनरी आउटकम्स तो प्रॉब्लम डे मास फंक्शन का जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा पी टू द पावर ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस पी टू द पावर ऑफ वन माइनस के वेर

अब इस सीनारियो में मैं यहां लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इज नथिंग बट सॉरी नॉट एक्स के इज इक्वल टू वन ठीक है के हम लोग वन लिए हैं राइट के इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू पी टू पावर ऑफ के पी टू द पावर ऑफ वन वन माइनस वन माइनस वन ठीक है तो इसका मतलब जीरो होता है तो एनीथिंग पावर टू द जीरो वन होगा तो हमको फाइनल जो आउटकम आएगा वो पी आएगा

तो ये वाले इक्वेशन से हम लोग स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्रिएट करते हैं अगर मैं सिंप्लीफाइड मैनर में पीएमएफ लिखूं ठीक है सिंप्लीफाइड पीएमएफ तो आप स्पेसिफिकली इस तरीके से लिख सकते हैं तो पीएमएफ आपका होगा क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी इफ के इज इक्वल टू जीरो एंड पी इफ के इज इक्वल टू वन तो ये स्पेसिफिक इक्वेशन बेसिकली अपना पीएमएफ डिफाइन करता है जो है अपना प्रोबेबिलिटी जिसके थ्रू आप आप ये डायग्राम क्रिएट करते हैं आप पाएंगे तो कर सकते हैं। अब इसके अलावा, अलावा आपको और थोड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी है सेकेंड वाले में चलते फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मीन ऑफ बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन अब मीन कैसे कैलकुलेट करिएगा आप वो देखते हैं मीन ऑफ बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा अब देखिए मीन कैलकुलेट करने के लिए मीन हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेसिफिक मीन होता है ठीक है मीन ऑफ बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे डिराइव होता है इस आगे वाले डिस्ट्रीब्यूशन में इतना डिटेली जानने की जरूरत नहीं है बट एटलीस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे मीन इसका कैसे डिराइव होता है ठीक है मीन को हम लोग लिखते हैं ई ऑफ के विच इज नथिंग बट नीशन ऑफ आई इज टू वन टू के मल्टीप्लाइड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ के लेट्स कंसिडर लेट्स कंसिडर इफ प्रोबिलिटी ऑफ के इज पॉइंट सिक्स ठीक है मैं यहां पर जब लिख रहा हूं लेट्स कंसिडर प्रॉबिलिटी ऑफ के इज इकल टू वन इज पॉइंट सिक्स दो आउटकम होते हैं

तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्रोबेबिलिटी ऑफ के व्हेन के इक्वल टू जीरो फोर में लिख देता हूं प्लस वन <coughs> में जाते हैं अब हम लोग ठीक है तो वन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ के इक्वल टू वन कितना है पॉइंट सिक्स तो आप यहां देखिए मेरा आउटपुट आएगा पॉइंट सिक्स बट ये पॉइंट सिक्स पी है ना और ये वाला क्या है वन माइनस पी ठीक है तो आप ये पता लगा सकते हैं जब भी भी हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो वो स्पेसिफिकली होगा आपका पी वैल्यू जो भी पी आता है आपका वैल्यू वही होगा क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से जब के इज टू जीरो है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है तो ये रहा मीन के बारे में ठीक है सिमिलरली हम लोग जाके बात करते हैं मीडियन के बारे में तो थर्ड वाले वाले इसमें मीडियन अब मैं मैं यहां पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल ही बताऊंगा बट बत आगे वाले डिस्ट्रीब्यूशन में ना हम लोग ये अज्यूम ये बेसिकली मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्योंकि देखिए हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझना है उसका काम कैसा है उसका पीएमएफ कैसा है उसका पीडीएफ कैसा है और वो डिस्ट्रीब्यूशन के अजम्शन को समझना है उस डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसके बारे में समझना है फॉर अ डेटा साइंटिस्ट ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं फिर भी यहां पर बता दे रहा हूं और ये स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स वाले इंटरव्यू में भी आपको बस ये पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्स क्या हो सकता है उससे क्या आउटकम निकाल सकते हैं ठीक है बट फिर भी मैं एडिशनल ये ले रहा हूं सो so दैट आप लोग ये समझ पाए अब मीडियन के केस में मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहां पर मीडियन प्रॉबेबली कैसे होता है इफ पी इज लेस देन बाई टू जब भी 1 2 है, तो जीरो तो पी मतलब, का वैल्यू लेस देन पॉइंट फाइव है तो उसका मीडियन स्पेसिफिकली होगा जीरोक्वल टू वन बाई टू तो आर जीरो और वन हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है और फाइनली पी इज इक्वल टू इफ पी इज ग्रेटर तो ये हाँ पर आपका स्पेसिफिकली होता है वन वैल्यू ठीक है तो ये रहा मीडियम के बारे में और जो हम लोग कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते कैलकुलेट लो करेंगे उसको बस पी और वन माइनस पी में मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज नी क्यू ठीक है अब स्टैंडर्ड डिविएशन का बात करें तो हम लोग क्या होगा एस टी डी इज रूट ऑफ पी क्यू तो ये सारा इंफॉर्मेशन राइट right? आप लोगों को थोड़ा याद रखिएगा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे हम गोइंग फॉरवर्ड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे तो स्पेसिफिकली ये सारा इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और जहां जहां हमको और आउटकम के बारे में सोचना है तो वहां पे मैं वो चीज भी आपको बता दूंगा ठीक है तो ये वीडियो रहा बर्नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग ने देखा उसका डायग्राम कैसा होता है प्रॉबर्टी मास फंक्शन कैसा क्रिएट करता है हम लोग में के हिसाब से देखें हम लोग सिंप्लीफाइड वे से देखें हम लोग मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखें मीडियन ऑफ बर्नाली डिस्ट्रीब्यूशन वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवेशन का भी फॉर्मूला देख लिया तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में विद अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सो थैंक यू टेक केयर